ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 28/4/1964। बाप तुमको शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये हजार मीलों की दुनिया है, पापात्मा माना क्या? कहते हैं ना हम पतित हैं, हे पावन आओ, हम भ्रष्टाचारी हैं। देखा, ये गवर्नमेंट कहती रहती है ना हम पतित हैं, तो भ्रष्टाचारियों में सदाचारी कहां से आए? अभी भ्रष्टाचारी, फिर सतयुग में कहेंगे सदाचारी। कैसे आचारी? सत्य आचारी, सदाचारी। अब यहां कोई सदाचारी कहां से आया? क्या दान पुण्य किया जो सदाचारी हो गया? ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, वो तो दान पुण्य जो भी करते हैं उनसे पाप ही बनते हैं। तो जिसको दान करते हैं वो पाप ही करते हैं। अच्छा, तुम लोग गुरुओं को दान देते हो, वो तो बड़ा पाप करते हैं। क्या करते हैं? तुमको परमात्मा से विमुख करते हैं, क्योंकि परमात्मा को सर्वव्यापी कर दिया। कुत्ते में है, बिल्ली में है, तो फिर योग किससे रखेंगे? तो देखो, उनको पैसा दिया तो उन्होंने तुमको पापात्मा बनाया ना, तो हर एक दो को माता पिता गुरु गोसाई एक दो को पापात्मा ही बनाते आए। क्यों? वो सब किसके मत पर हैं? रावण की मत पर हैं। अभी बाप आए हुए हैं, तो ये राम बाप की मत पर हुआ ना। तुम चलते हो, अभी तुम देखो ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हो। 28/4/64 की वाणी का चौथा पेज, ये तुम जानते हो
कि बरोबर जब हम ये थे तो बड़े पवित्र बड़े खुश थे। पीछे फिर वाम मार्ग में रावण राज्य शुरू हो जाता है, तब से फिर दुख शुरू हो जाता है। इन बेचारे भारतवासियों को पता ही नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। दोनों की लड़ाई दिखाती हैं रामलीला मैदान में। राम को एक सिर देते हैं और रावण को 10 सिर देते हैं। अभी गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। अरे पर राम राज्य कौन स्थापन करते हैं? वो स्थापन करने वाले क्या होते हैं? बेचारे कोई जानते थोड़े ही थे। तो अभी गुरुओं को दान करना चाहिए, किसको दान करना चाहिए? कोई को भी दो, जिसको भी पैसा देंगे वो पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि सभी पापात्माएं हैं। एक दो को पापात्मा बनाते बनाते सब के सब पापात्माएं बन गए। यथा राजा रानी तथा गुरु, इसको कहा जाता है पापात्माओं की दुनिया। फिर यही भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर देखो ये इस समय में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो गया, तो बस जो कुछ भी करते रहेंगे ये अपवित्रों की मत पर, यानी असुरों की मत पर, यानी रावण की मत पर चलते ही रहते हैं। और तुमको चलना है राम की मत पर। यहां तुम लोगों को बड़ी तकलीफ है। देखो अभी घर में बाप है, स्त्री है, ये चाहते हैं कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। समझ गया, तीर लग गया, वाह, अभी मौत तो सामने खड़ा ही है, मरना तो सबको जरूर है, ये सबका अंतिम जन्म है। तो बाप भी कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म में अभी अगर तुम पवित्र रहे तो तुमको समझाया है कि किस जन्म तुम निर्विकारी रहेंगे। तिरसठ जन्म तो तुम विकार में गए, अभी एक जन्म के लिए, पिछाड़ी जन्म के लिए जब मैं कहता हूं पवित्र रहो और पवित्र रहकर मुझे मदद करो, तो मैं पवित्र दुनिया स्थापन करूं। पवित्र रहने से तुम पवित्र दुनिया में चले जाएंगे, श्रीमत पर चलने से फिर से 21 जन्म के लिए तुम देवी देवता घराने में आएंगे, यानी स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
अभी प्राप्ति का एम ऑब्जेक्ट का पता तो पड़ गया ना, तो स्वयं भगवान कहते हैं कि हम तुमको मनुष्य देवता बनाए रहा हूं। फिर किस जन्म तुम देवता बनेंगे? अभी एक जन्म के लिए पवित्र रहना पड़ेगा। जब समझ गए कि त्रिसर्जन हम पतित बने, मूत पिया, अभी बाप कहते हैं कि बच्ची मेरे खातिर मददगार मेरे बनेंगे ना, तो सिर्फ पवित्र हो। बताया ना कृष्ण कितना गोरा था। पुनः जन्म लेते लेते जब फिर काम शिक्षा पर चढ़ा तो काला होता गया। कौन सी कृष्ण की बात है, है? जो गीता का भगवान कहा जाता है उसकी बात है क्या? अरे वो तो कालों को गोरा बनाने वाला है, सदा ही गोरा है, वो कैसे काला बनेगा? ये तो सतयुग में जो पहला बच्चा पैदा होता है उनका नाम कृष्ण है, अभी उनको श्याम कहते हैं। पहले सुंदर कहते थे, अभी श्याम कहते हैं। समझते कुछ नहीं है कि हम उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। ये श्याम सुंदर है, एक व्यक्तित्व का नाम है, एक पर्सनालिटी का नाम है, या दो अलग अलग पर्सनालिटी है? है एक पर्सनालिटी का नाम है। भक्ति मार्ग में नाम दिया है श्याम सुंदर, तो उन भक्तों से पूछो कि कब श्याम और कब सुंदर, तो कहेंगे कलयुग के अंत में श्याम और सतयुग के आदि में सुंदर होता है। अर्थ तो समझते ही नहीं है, परंतु कहते तो है ना श्री कृष्ण सांवरा और गोरा। अर्थ नहीं समझते हैं क्योंकि बंदर हैं। बुद्धि बंदरों की है, समझते कुछ नहीं है। कहते हैं तो तुमको इसका अर्थ बताते हैं कि जब ज्ञान शिक्षा पर बैठते हो तो गोरा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, पर जब रावण आता है तो विकार व काम चिच्छा पर चढ़ जाएंगे। काम चिच्छा पर चढ़ने से तुम काले हो गए। पत्थर बुद्धि बर्थनाट्य पेनी, और ऐसे तुम ही तो थे ना। किसको बोला तुम ही थे? सतयुग के कृष्ण को बोला क्या? अभी बताते हैं, तुम ही तो देवताएं थे, तो अब तुम देखो अभी तुम पूरे असुर बन गए। ये है चक्कर, हम सो देवताएं पूज्य, हम सो असुर पुजारी।
हम सो का अर्थ भी बताया है और उसके बदले में ये सन्यासी भी समझाते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। सो परमात्मा सो हम आत्मा। तो देखो ये रात दिन का फर्क हो गया, ये उल्टा उल्टा ज्ञान देते हैं कि हरेक आत्मा सो परमात्मा और सब एक दो को उल्टा ज्ञान देते रहते हैं। गुरु माता पिता सब एक दूसरे को उल्टा ज्ञान देकर गिराते ही रहते हैं। 28-4-64 की वाणी का पांचवा पेज। ये इनको पता नहीं पड़ता है क्योंकि ड्रामा है, इनको ऐसा गिरना ही है और इनको आसुरी मत पर चलना ही है। तो देखो गुरु तो तुम सबने किया ही हुआ है, बहुत किए, तुमने गुरु नहीं किया होगा क्या? वाह, सब जरूर कोई न कोई गुरु करते हैं। अभी देखो जब गुरुओं का गुरु बाप आ गया, बापों का बाप पतियों का पति मिला, तो उनकी मत पर चलने से बरोबर भारत श्रेष्ठ बनता है। नहीं तो भला बाप यहां आ गया जिसको याद करते हैं शिव बाबा परमपिता परमात्मा को मानते तो है ना, शिव जयंती तो शिव जयंती मनाते आते हैं। बस जैसे बंदर लोग मनाते आते हैं, कौन मनाते आते हैं शिव जयंती है? दुनियावी लोग शिव जयंती मनाते हैं क्या? क्या मनाते हैं? दुनिया में तो भक्ति मार्ग के लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती तो नहीं मनाते। क्यों? पता नहीं, उनको पता ही नहीं है कि जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है। जयंती तो साकार की मनाई जाती है ना। तो तुम भी मानते तो हो शिव जयंती, तो शिव जयंती मानते आते हैं। अब उन शिव जयंती मानने वालों को भी मनाने वालों को भी कोई समझ में थोड़े ही आता है कि शिव जयंती क्यों मनाते हैं, कौन मनाते हैं है? ब्राह्मणों की दुनिया के लोग शिव जयंती नहीं मनाते क्या है? मनाते हैं ना। तो क्यों मनाते हैं? क्या उनकी तिथि तारीख का पता लग गया? जो जयंती हुई निराकारी शिव बाबा अगर यहां आया भी तो आकर के क्या किया? जो जयंती मनाते हैं
दुनिया में भी बड़े बड़े लोगों की जयंती मनाते हैं, कुछ किया होगा तब तो जयंती मनाते हैं। तो भगवान ने आकर के क्या किया है? जो बीके वाले जयंती मनाते हैं, अरे आकर कुछ किया है? कैसे ही आया राम गया राम हो गया, क्यों मनाते हैं? कुछ भी पता नहीं है तो बंदर ठहरे ना। बंदर भी तो नकल करता है ना। क्या नकल किया है? अरे दुनिया के भक्त लोग भी शिवरात्रि मनाते हैं, उनकी नकल करके उसी दिन शिव जयंती मनाना शुरू कर दिया। पता तो कुछ भी नहीं पड़ा कब आया। यानी मनुष्य होकर कुछ भी न जाने और कह देवे कि शिवरात्रि व शिव जयंती, शिवरात्रि भी कहें तो और मनुष्यों की शिवरात्रि तो नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनिया तो नीचे ही गिरती जाती है। शिव माना कल्याण, वो तो कुछ हुआ नहीं, तो शिवरात्रि का ही की। रात्रि तो तब कहें अथवा महाशिवरात्रि तो तब कहें जब घोर अंधकार भी हो और उस घोर अंधकार में महान से महान कल्याण छुपा हुआ प्रत्यक्ष हो जाए। तो जब जानते ही नहीं है तो क्यों शिवरात्रि व कृष्ण का जन्म? क्योंकि कृष्ण जन्म भी तो रात्रि को मनाते हैं ना, तो भी कहेंगे रात्रि। कृष्ण का जन्म भी रात्रि में, शिव का जन्म भी रात्रि में, क्यों? जानते नहीं है कि कृष्ण बच्चे की आत्मा जब पुरुषार्थ पूरा करके संपन्न स्टेज को धारण करती है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनती है, तो उसी समय बनती है जबकि दुनिया की महान ते महान रात्रि प्रत्यक्ष होती है। अभी कृष्ण जन्म रात्रि और शिव की भी रात्रि बताते हैं। अभी निराकार रात्रि को कैसे आया? चलो कृष्ण तो साकार है, निराकार की रात्रि कैसे कहेंगे? क्या किया? कुछ भी बिल्कुल नहीं जानते एकदम। तो जो कुछ भी बताते हैं, जो भी साधु संत हैं, अपनी अपनी किताबें बनाते जाते हैं, अपने अपने धर्म का पुस्तक बनाते जाते हैं, और बस सभी फॉलोअर्स उसकी मत पर चलते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग।
अंधश्रद्धा का मार्ग। बातें रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा चलो क्राइस्ट आया, वो फिर कब आएंगे? आएंगे तो फिर क्या होगा? और आएंगे तो जरूर ना, हा? और अभी आया तो कहां गया? कोई को बिल्कुल भी पता नहीं। तुम बच्चे तो सब जानते हो कि ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। ड्रामा का चक्र पूरा होगा तो हर आत्मा का पुनरागमन प्रत्यक्ष होता है। सभी यहां जो जो भी गुरु है, जिनों जिनों ने जो कुछ भी मठ पंथ स्थापन किया है ना, वो गुरु लोग इस समय में सब पतित हैं। यहां भिन्न भिन्न नाम रूप में है जरूर, पर सब पतित हैं। और ऊपर से लेकर के नीचे तक सब पतित हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म भोग अभी पतित बने, जिनको फिर से बाप आकर के पावन बनाते हैं। है? आकर के पावन बनाते हैं या जाकर पावन बनाते हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के तन में आया और चला गया। तो जब जाकर अर्थात चला गया, फिर अपने आप पावन बनते रहते हैं? या वो गुरु लोग समझते हैं हम पावन बनाते हैं? तो बाप कहते हैं जो लक्ष्मी नारायण पतित थे वो ही फिर पावन बनेंगे। अब्बल नंबर में पावन थे तो लास्ट में अब्बल नंबर में पतित बनते, फिर अब्बल नंबर में पावन कौन बनेंगे? अच्छा क्राइस्ट भी जो होगा या बुद्ध होगा वो भी सभी पतित हैं, फिर जरूर नंबर वार पावन बनेंगे ना। आए भी नंबर वार हैं, पावन भी नंबर वार बनेंगे। पावन बनेंगे फिर भी तो वापस जाएंगे ना, और फिर आकर के अपना धर्म स्थापन करेंगे। तो ये सभी नॉलेज तुम बच्चों को मिलती है। कोई समझते हैं, कोई धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं, कोई की बुद्धि कैसी, कोई की बुद्धि कैसी। ये तो स्कूल है, ये अच्छी तरह से समझना तो है ना। अभी तुम समझते हो, जो इस धर्म वाला नहीं होगा, कोई भी बाहर के धर्म वाला होगा, उनको 1 महीना भी बैठ करके सुनाते रहो तो ऐसे बैठा रहेगा जैसे उनको कान ही नहीं है, पत्थर बुद्धि है।
कुछ भी समझते नहीं। जैसे तुम अभी प्रदर्शनी में समझाते हो, कितनों को समझाते हो, देखो बाबा कहते हैं ना, कोटो में कोऊ में कोऊ और कोई में भी को। प्रदर्शनी में तो हजारों आते हैं और तुम उनको समझाते हो, बाप का परिचय देते हो। अरे भाई तुम्हारा बाप है, उनसे तो जरूर बेहद का सुख मिलेगा ना। कोई 2, 4, 8, 100, 50, 100, 200 करोड़ बच्चों का बाप तो नहीं है, वो तो बेहद 500, 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है। बेहद का बाप जरूर बेहद का सुख देंगे। भारत को बेहद का सुख था ना, अभी तो नहीं है, अभी दुखी है। शिकल देख लाया है मालिकों की, ये मालिक है ना, अभी अपन को मालिक कहते हैं ना, बड़ी चिंता में होते हैं अभी कोई बड़ी आफत ना आ जावे। कभी किसके ऊपर पुलिस का आता है या इन साहूकार लोगों के ऊपर आता है, जब पुलिस आकर के पकड़ती है तो उनकी शिकल तो देखो, और फिर उनकी स्त्री की शिकल तो देखो, फिर उनके बच्चों की शिकल तो देखो। उस समय में उनको आंखों में जैसे लहू आ जाता है। 28, 4, 64 की वाणी का छठा पेज। जब किसको डर बहुत होता है ना, धक्का आ जाता है, तो उनको लहू आ जाता है। और कोई कोई को तो डर के मारे एकदम टट्टी में लहू आ जाता है। ऐसी भी हालत हो जाती है तो इनकी भी हालत तुम देखेंगे ना, बिल्कुल जैसे मुर्दे खड़े हैं एकदम। परंतु बेचारे समझते कुछ नहीं, ये समझते हैं कि मनुष्य समझेंगे। कितने लोगों को विचार है कि इसकी शिकल तो देखो, देखो इनको हमारे लिए कितना अफसोस है, अभी क्या करें। वो लोग ऐसे समझेंगे और हम तो कहेंगे इन मुर्दों की शक्ल तो देखो, जैसे कि इनका सांस निकला जा रहा है। और तुम जानते हो कि बरोबर आगे देखो, आगे चल करके चक्कर लगाओ, आगे आगे उनको दिखलाते जाओ। अभी ये हम लोग जानते हैं, दुनिया तो इन सब बातों को नहीं जानती है। तुम्हारे में भी कोई कोई नंबरवार हैं, देखो बाबा अखबार भी देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं और बरोबर हम लोग लिखते भी हैं कि ये जो मोरारजी देसाई था, ये गवर्नमेंट का खजांची,
वो बेचारे कांटों के तख्त पर बैठे हैं और वो साहब लोग की शक्ल दिखलाई है, हाथ में फकीरों का डोल है और भीख मांगते हैं। अभी उनको कोई शर्म है? नाक भी नहीं है गवर्नमेंट को, चित्र में दिखलाए देते हैं कि हम भीख मांगते हैं, खुश होते हैं। नहीं तो जो छपाते हैं उनको कहना चाहिए, अरे ये क्या निकालते हो, नहीं खुश होते हैं बरोबर। बिल्कुल ही बैगर गवर्नमेंट हुई ना, अभी ये बैगर गवर्नमेंट भारत को क्या स्वर्ग बनावेगी? बेचारे भीख मांगते रहते हैं। कौन सी गवर्नमेंट के लिए बोला है? पार की दुनिया वालों के लिए बोला सिर्फ, या ब्राह्मणों की दुनिया के लिए भी बोला है? हाँ, बिल्कुल ही बैगर गवर्नमेंट कहेंगे। अब ये बैगर गवर्नमेंट कौन सा भारत बना देगी? अभी तुम जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है और इस दुनिया को बदल रहा है। कौन सी दुनिया को? पहले कौन सी दुनिया बदलेगी? बाहर की दुनिया बदलेगी या ब्रह्मा की रची हुई ब्राह्मणों की दुनिया पहले बदलेगी? अभी दुनिया बदल रही है और तुम जानते हो कि दुनिया बदल ही जाएगी। नई दुनिया के लिए बाबा हमको, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना कर लिए करने के लिए ही बाप आया हुआ है। हो बहु हर कल्प हम बाबा से ऐसे ही शिक्षा लेते हैं, जैसे कल्प कल्प सीखते रहते हैं। इसलिए तुम लोगों को कोई परवाह नहीं रहती है। और पवित्र रहने में भी कोई परवाह नहीं। अरे वाह, बाप से वर्षा लेना है तो क्यों नहीं दिखलाएंगे? सन्यासियों को भी दिखलाएंगे, परंतु वो कहें ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सन्यासी कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। क्या क्या नहीं हो सकता है? अरे स्त्री और पुरुष साथ साथ रहे और पवित्र बन करके दिखावे, अपवित्र न बने, ये हो ही नहीं सकता। उनसे पूछो क्यों नहीं हो सकता, वो खुद ही नहीं कर सकते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते है? स्त्री पुरुष साथ रह करके पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। और तुम है, तुम घर गृहस्थ में रह करके साथ में रह करके पुरुषार्थ करते हो, तो वो तुम्हारे लिए कैसे कहेंगे? खुद नहीं कर सकते हैं तो जैसी दृष्टि वैसी उनको सारी सृष्टि दिखाई देती है। हाँ, आगे चल करके ये लोग भी मान जाएंगे कि बरोबर इनको शिक्षा देने वाला
या ज्ञान के बाण मारने वाला परमपिता परमात्मा बिगर कोई नहीं हो सकता। परंतु ये परिवर्तन पीछे आएगा, क्योंकि ये तो पीछे खत्म हो जाते हैं ना। अगर इन लोगों को तुम सिद्ध करके दिखलाओ कि बाप तो बाप है, क्या बाप बाप है, बाप सर्वव्यापी नहीं होता है, तुम तो गालियां देते हो, बाप की ग्लानी करते हो। गीता कृष्ण ने नहीं गाई है, कोई मनुष्य ने नहीं गाई है। क्या मनुष्य ने नहीं गाई है? कृष्ण क्या था? मनुष्य था। अच्छा, भगवान मनुष्य रूप में आकर गीता ज्ञान नहीं देता है? देता है नहीं देता? तो मनुष्य नहीं हुआ है? मनुष्य किसे कहा जाता है? मनुष्य उसको कहा जाता है जिसका मन चलायमान हो जाए, ऊपर पुलिस का हवाला दिया, साहूकारों के घर में, मिनिस्टरों के घर में पुलिस आ जाती है तो शरीर की हवा निकल जाती है। तो मन कुछ करता है या नहीं उस समय है? मन डरता है या नहीं डरता है? कुछ है? मनन चिंतन मंथन चलता है या नहीं चलता है कि क्या होगा? तो उनको मनुष्य कहेंगे या भगवान कहेंगे है? और भगवान, भगवान सोचता है कि क्या होगा है? क्यों नहीं सोचता है? भगवान तो मन को कंट्रोल करने वाला है, मन को सदा के लिए वशीभूत करने वाला है। भगवान मन को जीतने वाला है, असोचता है। और मनुष्य, मनुष्य का मन काम करता है, मन सोचता है कि क्या होगा। तो बताया, ऐसे कोई भी मनुष्य ने गीता नहीं गाई है जिसका मन परिस्थितियों के आगे चलायमान हो जाए। ये तो बाप ने गाई है। तो बताओ, जिनका मन चलायमान हो जाए उनकी क्या गति होगी? आबरू सारी चट्ट हो जाएगी ना। तो आबरू चट्ट भी पिछाड़ी में होकर जाएगी ना। नहीं तो अभी एकदम थरथल्ला मच जावे। इनों के ऊपर बड़ा रोला मच जावे। ये पिछाड़ी में होते हैं और ये सन्यासी भी ज्ञान में पिछाड़ी में आते हैं।
ब्राड ड्रामे में कब आते हैं है? जब ड्रामा का पिछाड़ी का युग शुरू होना होता है, कलयुग शुरू होना होता है, उससे थोड़ा पहले आते हैं। तो कहेंगे पिछाड़ी में आते हैं, पिछाड़ी में आते हैं तो फिर उनको मालूम हो जाता है, परंतु वो करेंगे क्या? कौन सा युग शुरू हो जाता है? कलह कलेश का युग शुरू हो जाता है, और ज्ञान शांति में लिया जाता है या अशांति में लिया जाता है? तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो सन्यासी हमारे धर्म के तो है ही नहीं। तुम बच्चों को मालूम है कि ये झाड़ में कहां पर आते हैं, ये तो जानते हो ना। पहले पहले सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का धर्म, पीछे क्षत्रिय, वो ही जो सूर्यवंशी थे सो चंद्रवंशी। तो ये बात तुम जान गए हो, परमपिता परमात्मा को जान गए, वो हमारा बाबा है बरोबर, वो रचना रचते हैं। पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं है? शिव बाबा आते हैं तो पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं है? पहली पहली रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। 28-64 की वाणी का सातवां पेज, फिर बरोबर ब्रह्मा पिता प्रजापिता है, कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा है। तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा ये ब्राह्मण पैदा करते हैं, पहले है ये ब्राह्मण चोटी, बाबा ने समझाया ना। वर्ण भी होते हैं, पहले पहले ब्राह्मण वर्ण। अभी देखो तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, ये ब्राह्मण वर्ण में ऊंचे से ऊंचा वर्ण है। तुम कौन से ब्राह्मण हो है? तुम हो शिव बाबा के मुखवंशावली। क्या शिव बाबा के मुखवंशावली? अभी जो ब्राह्मण है वो कुकवंशावली कैसे है? अरे उनको सन्मुख वाणी सुनने को मिलती भी है जो मुखवंशावली बनेंगे। उनका उनका प्यार ज्ञान सुनाने वाले देहधारियों से हो जाता है, या वो शिव बाबा को पहचानते हैं? तो वो है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली।
खुदेदारियों से प्यार करते हैं और तुम हैं, तुम विदेही बाप से प्यार करते हो। विदेही बाप ने आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो तुमको समझानी देते हैं, मुख से ही समझानी देते हैं ना, तो तुम मुख की समझानी को मानने और चलने वाले हो। ऐसा मुखवंशावली तुमको किसने बनाया है? गुरुओं ने बनाया, दीदी दादी दादाओं ने बनाया। तुम कहेंगे शिव बाबा ने हमको बनाया। अभी शिव बाबा को तुम जान गए हो कि बरोबर नई रचना कैसे रचते हैं, तो बरोबर अभी तुमको आकर के अडॉप्ट किया है। तुम ब्रह्मा की औलाद बन करके ब्राह्मण बन गए और पहले क्या थे है? अरे पहले शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बन गए। ऐसे नहीं कि तुम शूद्र है, पतित से ब्राह्मण बनने से पावन बन गए क्या? शूद्र तो पतित को कहा जाता है, उनका कोई नियम ईमान तो होता नहीं है। तो ऐसे नहीं कहेंगे तुम शूद्र पतित से ब्राह्मण बनने से पावन बन गए हो, बन गए है? नहीं, बिल्कुल ही पतित थे, एब्सोल्युटली 100% पतित। अच्छा, फिर अभी तुम ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बनने से कोई पावन नहीं बन गए हो। हैं? कोई कोई अहंकार हो जाए कि हम तो ब्रह्मा भगवंशावली ब्राह्मण बन गए तो हम पावन हो गए। हां, योग बल से बाबा की श्रीमत पर चलते चलते तुम भविष्य में पावन बन जाने वाले हो। सिर्फ बाप को याद करना है। क्या शर्त थी? पावन बनने के लिए शर्त दी, अगर श्रीमत पर ही चलते रहे और जो श्रीमत देने वाला बाप है उसकी याद में ही रहे, सिर्फ बाप की याद में, तो तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप को याद करना है, बाकी जो भी सारी दुनिया है, जो भी देहधारी है, या अपनी देह है, या देह के जो भी पदार्थ हैं, उन सब को भूलना है। तो देखो कितनी मेहनत है इस बात में है। ब्राह्मण बनने में मेहनत है या ब्राह्मणों को पावन बनने में मेहनत है? ये सब को भूल जाना है। अर्जुन ने भी पूछा जो गीता है ना मनुष्यों की लिखी हुई, उसमें दिखाते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि ये मन बड़ा चंचल है,
इसको अचल कैसे करें? चलाए माने है बहुत सोचता है, कभी इधर की कभी उधर की, तो इसको असोचता कैसे बनाए? तो कहते हैं कि सिर्फ दो ही तरीके हैं और दोनों तरीकों को अपनाना पड़ेगा। क्या? अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्य चग्रहते। क्या करना पड़े? बार बार स्मृति को एकाग्र करने का अभ्यास करना पड़े। सारी दुनिया को ढूंढना है, एक बाप को याद करना है। तो एक तो प्रैक्टिस बताई कि बुद्धि इधर उधर जाती है, खींच करके कहां लाना है? है बाप की याद में लाना है। और दूसरी बात, बाप की याद में भी कब आवेगी? है जब बुद्धि में बैठा होगा कि ये दुनिया साफ खलास होने वाली है। ये जो ब्राह्मणों की देह है, देह का क्या हाल होता जाएगा? है कि देह सड़ती जाएगी, तो देह के पदार्थों से भी मोह रहना चाहिए। देह के संबंधियों से मोह रहेगा, कि सारी दुनिया खलास होने वाली है, तो साफ को भूलना है। समझना कि अब ये नाटक पूरा होता है। ये नाटक के जो भी सभी एक्टर्स हैं, इनमें से थोड़े रहेंगे। कितने सभी एक्टर्स हैं? 500-700 करोड़ जो भी एक्टर्स हैं, इनमें थोड़े रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। चोला छोड़ करके ये बाबा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एकदम प्रलय तो नहीं होती है। प्रमाण प्रकष्ट रूप है और लय माने लीन हो जाए। जैसे समुद्र में से एक चुल्लू पानी लिया जाए और बाद में उसी समुद्र में फेंक दिया जाए, तो वो चुल्लू पानी समुद्र में लीन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हैं? लीन हो जाएगा। वो पानी का अणु वापस नहीं आ सकता कि आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ऐसे लीन होने की बात नहीं है कि आत्माएं उन सन्यासियों के अनुसार सब परमात्मा में लीन हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये गायन क्यों चल रहा है? भक्ति मार्ग में जो चारों तरफ से आवाज आती है, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसका कोई अर्थ होगा या नहीं होगा? क्या अर्थ है? हैं? हाँ, कि हम जिस परमात्मा की याद में रहेंगे, वो परमपिता परमात्मा निराकार होते हुए भी जो साकार में आया है, वो साकार और निराकार दोनों ही आत्माएं सोचने विचारने वाली रहेंगी या निराकारी बन जाएंगी? असोचता बन जाएंगी।
और जो असोचता है वो ही भगवान है। जो सोच विचार करने वाला है वो भगवान नहीं हो सकता। तो देखो अब तुम जान गए कि प्रलय नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो इस संसार में देह से रहेंगी तो, लेकिन मन बुद्धि से किसके संकल्पों में मिलकर एक हो जाएंगी? है जो बाप का संकल्प 100 बच्चों का संकल्प रहेगा। बाप निराकारी तो बच्चे भी निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे।